हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार आज की वीडियो है हमारी एप्पल पेंसिल अल्टरनेटिव की एक और वीडियो, जो कि इस बार आई है फ्लिपकार्ट स्टाइलस वाली पेंसिल है। बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आई थी इसकी इंस्टाग्राम डीएम्स के अंदर और अब मेरे कमेंट्स के अंदर कि यार इसको रिव्यू करना। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगी, मैंने देखी और मुझे लगा कि यार ये ऑर्डर करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद मतलब हो सकता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर पेस पे रहे जैसे हमारी केसी और डक्सर है और उससे भी सस्ती प्राइस में मिले। तो इसका प्राइस मुझे जो पड़ा है वो है 1699, जो कि एक काफ़ी डिसेंट प्राइस है मुझे लगता है। और कलर मैंने लिया है मैट ब्लैक, वाइट में भी मिलती है बट मैंने मैट ब्लैक लिया है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ उसका डब्बा, ये रहा उसका डब्बा, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का डब्बा, एकदम एप्पल पेंसिल की तरह खुलता है स्लाइड करके। अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका रिव्यू कैसी है वीडियो। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी पहला मेरा गिव अवे लाइव है। गिव अवे का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं गिव अवे करने वाला हूँ ये बोट की घड़ी, ये बोट जेनिट वॉच है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया वॉच है। उसका मैंने रिव्यू भी निकाला है और इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो गिव अवे के रूल्स देखने के लिए और बाकी सब के लिए इसकी वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का भी डाल दूंगा और साथ में गिव अवे एंट्री का लिंक भी डाल दूंगा। तो अगर आप जैसे ही वो मेरे गिव अवे का टारगेट पूरा हो जाता है उसके बाद मैं ये गिव अवे कर दूंगा। एक बार टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 5000 सब्सक्राइबर या फिर 15000 व्यूज़ इस बोट वाली वीडियो पे। जैसे ही जो भी पहले कंप्लीट होगा मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस कर दूंगा। कुछ एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं तो आप भी अपनी एंट्रीज करें ग्लीम लिंक में जाके। और अब स्टार्ट करते हैं इसका हमारा फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का अनबॉक्सिंग एंड देन रिव्यू। तो ये हमारे पास आ गया है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का आपका बॉक्स। बॉक्स रिटेल पैकेजिंग हमारी ये है सिंपल सी, और इसके MRP जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है 2999। आपको आराम से ये 1700-1800 की मिल जाएगी फ्लिपकार्ट के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। और ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की पेंसिल है। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, बहुत सिंपल इसका ओपनिंग एक्सपीरियंस रहेगा एकदम एप्पल पेंसिल की तरह। ये गाइड बुक इन्होंने दे रखी है, यूजर मैनुअल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है गाइड बुक की ज़रूरत, बट ठीक है दे रखी है तो बढ़िया है। एक टाइप सी चार्जर, मतलब टाइप सी है चार्जिंग के लिए। दो यहाँ पे हमें मिल रही है एक्स्ट्रा टिप्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब लिटरली बहुत बढ़िया, दो टिप्स इज़ वेरी वेरी नाइस। इसके बाद हमारी मैट ब्लैक में ये है पेंसिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी लग रही है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, फ्लिपकार्ट की स्मार्ट बाय की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है और ये टिप ऐसे खोल के रिप्लेस हो जाती है सिंपल, और इस पर क्लिक करोगे ऑन हो जाएगी, इसी पर क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगी। वेरी सिंपल मैकेनिज्म और काफ़ी अच्छी लग रही है, होल्ड करने में काफ़ी स्टडी सी है। और सबसे बढ़िया है यार ये मैट ब्लैक कलर, मतलब ब्लैक में मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था, मैं वाइट थी अभी तक, सारी पेंसिल मैंने वाइट में ही करी क्योंकि मिल नहीं रही थी ब्लैक, ये काफ़ी सही है उस चीज़ के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं यार इसका रिव्यू। ये है हमारी फ्लिपकार्ट की स्मार्ट बाय वाली पेंसिल। तो ये फ्लिपकार्ट की स्मार्ट बाय वाली पेंसिल लिखने वाइज काफ़ी ठीक लगी यार मेरे को, मैंने ये अभी 2 से 3 दिन हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए और मुझे अभी तक इसके अंदर एज सच कोई इशू फील नहीं हुआ है, काफ़ी डिसेंट पेंसिल है। मैंने यार काफ़ी, मैं मेजरली पेंसिल जब भी मैं बाई करता हूँ मेरा ये तरीका होता है देखने का कि यार पेंसिल के अंदर जो भी मेरी रिक्वायर्ड बेसिक फीचर्स है वो ज़रूरी हो, उसके अकॉर्डिंगली मैं बाई करता हूँ, क्योंकि यार कोई फ़ायदा नहीं है मैं बाई कर लूँ उसके बाद चीज़ बेकार निकले और फिर रिटर्न होने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं देख दाख के बाई किया और मेरी एक्सपेक्टेशन में खरी हुई जो मैंने देखी थी चीज़ें, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है ये बिग नेम टेक्नोलॉजी पे है, जस्ट लाइक बाकी हमारी जो बिग नेम वाली होती है केसी टक्सर एंड ऑल, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो इसलिए आप यहाँ पे टिल्ट फंक्शनैलिटी लूज़ नहीं करते हैं, आपको टिल्ट मिलती है यहाँ पे थोड़ा सा। अगर मैं आपको मार्कर बड़ा करके बताऊँ तो आपको समझ आ जाएगा टिल्ट फंक्शनैलिटी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ मार्कर बड़ा कर लेता हूँ एक बार, तो ऐसे करके करेंगे तो ये देखो ये टिल्ट फंक्शनैलिटी बढ़िया चल रही है इसके अंदर, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये इस चीज़ में मैं काफ़ी खुश हूँ। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मुझे जो सही लगती है वो ये है कि यार एक तो इसके लिए ना यहाँ पे बटन दिया हुआ है जो कि बहुत सही रहता है, मतलब थोड़ा टच फंक्शनैलिटी उसमें, टच फंक्शनैलिटीज़ होती है बट इसमें बटन है जो कि अगेन मतलब थोड़ा स्टर्डी फील रहता है यार बटन का। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसके अंदर कि बटन वाली चीज़ दे रखी है। बाकी लिखने वाइज मुझे अभी तक कोई भी ऐसा इशू इसके अंदर नहीं आया, राइटिंग वाइज काफ़ी बढ़िया है, स्क्रिबल इसके अंदर एकदम बढ़िया चलता है, कोई इशू एज सच नहीं आता स्क्रिबल के अंदर, तो उसमें मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इसके।
बाकी इसके अंदर मैग्नेटिक होल्ड भी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिकली होल्ड हो जाती है, नीचे देख पा रहे होंगे आप, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बट ये ध्यान रखना कि आप जब मैग्नेटिक होल्ड कर रहे हो, थोड़ी सी एक दिक्कत आ सकती है कि जब ऐसे आपने बट करा तो कई बार क्या है ना, बटन देखो बंद हो गया, तो आपको बहुत थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर बार ऑन नहीं होगी, बट अगर मान लो आपको तेज़ करना है तो ऑन में ही करें बंद, ताकि जैसे ही वो करेंगे टैप तो ऑफ हो जाए। देखो कभी कभी नहीं भी हो रही, मैं सोच रहा था ये जुगाड़ कैसे करके हो जाएगी, तो नहीं हो रही है। तो आपको थोड़ा सा ऑफ़ करना है और आराम से स्टिक करना है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा इशू रहेगा कि ऑन होने वाला। बाकी एज सच मुझे कोई इशू नहीं लग रहा इसके अंदर, पेंसिल ओवरऑल काफ़ी सही है। बाकी आप पॉइंटर्स और देख लेते हैं जो हम बाकी हमें कवर करते हैं। मैग्नेटिक है हमारी, निप टेक्नोलॉजी बड़ी है, राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, PDF पे आराम से लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म राइटिंग एक्सपीरियंस तो यार मैं आपको बाद में ही दूंगा, अभी तक फिलहाल तो मेरी पेंसिल सुपर्ब चल रही है, मुझे कोई इशू नहीं मिल रहा है सच। उसके अलावा प्राइस पॉइंट को डिस्कस करें तो यार इसका जो प्राइस पॉइंट है वो है सिर्फ 1700 रुपये, 1699 इस टाइम पे। सेल बिग बिडल डे सेल में शायद मेरे से 1499 के आसपास मिल रही थी, तो मैंने 1699 ही खरीदी है, जो कि मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी जस्टिफाइबल प्राइस है इसके लिए। कोई भी ऐसा मेरे को इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये ध्यान रखना यार, ये एंड्रॉयड किसी टैबलेट में नहीं चलती। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे को पूछते हुए कि यार भैया एंड्रॉयड टैबलेट में चलेगी नहीं चलेगी या जो भी चीज़ है, तो मैं क्लैरिटी पहले ही दे देता हूँ आपको भाई, वो नहीं चलने वाली है। और जो मेरे पास और बाकी सारे जो क्वेश्चन हमेशा से आते जा रहे हैं, उनको भी एक बार थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कवर करने की, देखता हूँ। ये मेरे काफ़ी यूजुअल क्वेश्चन रहते हैं जो आते रहते हैं बाकी सब पेंसिल के, तो मैं आपको बता दूँ, स्क्रिबल वाइज, टिल्ट वाइज, बाम रिजेक्शन सब चलेगा, प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी, बैटरी लाइफ इसकी मैंने अभी तक उतनी एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं करी है, बट मुझे पूरी उम्मीद है जो कंपनी क्लेम कर रही है 8-10 घंटे तो दे देनी चाहिए इसको। बाकी सपोर्टेबल डिवाइस वही रहेंगे 2018 से ऊपर वाले, ये ध्यान रखना। कैपेसिटिव वर्सेस अल्टरनेटिव्स, भाई अल्टरनेटिव ये है, कैपेसिटिव के अंदर वो आगे टिप थोड़ी अलग होती है, इसमें पाम रिजेक्शन नहीं मिलता, या तो डिस्क है कई में, अब ये भी आने लग गए, मैं सोच रहा हूँ ये कैपेसिटिव एक नई आई है वो भी रिव्यू करूँ, बट उसके अंदर वो सब पे चलती है, पर ये अल्टरनेटिव्स वाली जो आईपैड वाली वो सिर्फ इसी पे चलेगी और किसी पे नहीं चलने वाली। एक्स्ट्रा टिप 2 मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है, और बिग निव के बेनिफिट्स मैं बता चुका हूँ आपको। ब्रांड्स टू प्रेफर के अंदर मैंने IADS KSU टक्सर बताया है, और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि यार मुझे इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं लग रही, और सही बताऊँ ना ऑनेस्टली तो सारा काम कर देगी है जो वो वाली पेंसिल्स करने वाली है, जो कि प्राइस आपके इसमें पैसे बच रहे हैं, तो आप इसी को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्टेड लोगों के लिए नहीं है यार, क्योंकि भाई उनके लिए फिर थोड़ा सा प्रेशर सेंसिटिविटी चाहिए होती है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। एप्पल पेंसिल की निम और ये सेम नहीं है, ड्यूरेबल तो लग रही है, मैग्नेटिकली स्टिक हो जाती है, कनेक्ट करने की ऐसा कोई खास सेटिंग है नहीं इसके अंदर। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पर डैमेज ना आए, वैसे तो निम इतनी बुरी नहीं है इसकी ऐसा, बट स्क्रीन डैमेज तो हो ही सकती है, ओरिजिनल एप्पल पेंसिल से भी हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लगा लेना। इसके अलावा गुड नोट नोटेबिलिटी दोनों सपोर्ट करती है। एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, इसका पेंट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा यार, कंपेयरिंग टू KSU टक्सर, उनका पेंट चिप ऑफ जल्दी हो गए, मतलब मेरी KSU का तो स्टार्टिंग एक महीने में हो गया था, तो इसका मैट पेंट है तो मुझे लग नहीं रहा इतना ही चिप ऑफ जल्दी होना चाहिए। बाकी एक कंपेरिजन वीडियो में लाऊंगा KSU टक्सर और IADS वर्सेज ये वाली की, तो आप वो भी देखना, बहुत जल्द आएगी ये, तो इसकी रिव्यू वीडियो है जो कि मुझे लगता है काफ़ी गुड टू गो है, तो आप ले सकते हैं। बाकी कंपेरिजन का वेट करना तो बिल्कुल आपको इस हफ्ते के अंदर ही कंपेरिजन भी मिल जाएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, कंपैरिजन भी मिलेगा साथ में गिव अवे भी मिलेगा। तो बोल्ट का गिव अवे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, तो ये घड़ी का गिव अवे आपको मिल सकता है, तो आपको एंट्री करनी ज़रूरी है, और एंट्री करेंगे ग्लीम लिंक में तो आपको ये घड़ी मिल सकती है। और 28 फरवरी से पहले 5000 सब्सक्राइबर या 15000 व्यूज़ इस वाली वीडियो पे या सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं ये गिव अवे कर दूंगा, और साथ देना मेरा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब गिव अवे मैं अपने पैसों से करने वाला हूँ, तो आई रियली वॉन्ट योर सपोर्ट, और मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगा आपकी हर तरीके से हेल्प करना हर गैजेट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।